फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम श्याम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स को थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच। ये देखिए बनी है ना कितनी अच्छी। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला आइसक्रीम। सो लेट्स स्टार्ट इट। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आ गया है। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये 1 लीटर दूध है, हमें इसका 3/4 तक करना है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें से थोड़ा सा दूध अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे, बिकॉज हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। हमारा दूध पहले से कम हो चुका है, ये 3/4 हो गया है। अब हम इसमें जो हमने दूध में मिल्क पाउडर ऐड किया था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। और अब हम इसमें 5 से 6 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ना दूध अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। हमने अपनी मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। हमने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे होम फॉइल रखेंगे और इसे बंद कर देंगे और इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जम गई है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितनी फ्लॉपी और कितनी अच्छी लग रही है। इसे ऑन ऑफ करके ही ग्राइंड करें, कंटिन्यू मिक्सी को ना चलाएं। और अब हम इसे वापस उसी कंटेनर में डाल लेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करनी है। और अब हम इसे वापस से फ्रिज में रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। हम इसे फ्रिज में रखेंगे, नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, अब हम अपनी आइसक्रीम को चेक करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसे एलमंड से गार्निश करेंगे। हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर रेडी है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री श्याम बोल देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।